mein Sayed Muhammad Hassan Azhar from MathyMaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 4.1. The statement of this question is 3 into 2x plus 5 is equal to 25 plus x. इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल x है, इस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम ये 3 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस x। इसके बाद यहाँ पे ये जो 15 है इसको हम इक्वल साइन के इस साइड पर लेके आते हैं, तो ये यहाँ प्लस 15 है, यहाँ आके माइनस 15 हो जाएगा। सो 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 प्लस x। अब 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये x प्लस में है, इसको हम इक्वल साइन के साइड पर ले आते हैं, यहाँ ये x प्लस का है, इक्वल साइन के साइड पर आके माइनस का हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस x दैट इज इक्वल टू 5x, 5x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 10, इसी तरह से चला आ रहा है। x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए ये x और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओवर 5 दैट इज इक्वल टू 2, यानी ये आफ्टर कैंसिलेशन ये फाइनली हमारे पास ये 2 आ गया। सो हमने यहाँ पे x जो कि वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास एक 2 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब